हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवांगी दत्त है और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि निकाह के लिए मेकअप लुक कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए कि हमारा फाउंडेशन फेस पे स्मूथली लगे। फिर हम कलर करेक्टिंग करेंगे जिससे पिगमेंटेशन न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब हम फाउंडेशन एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक फ्लैट एप्लीकेशन ब्रश यूज़ किया है जो स्किन में फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर देता है। अब मैं अंडर आईज और टी जोन एरिया पे हल्का सा कंसीलर लगा रही हूँ जो लाइट शेड का है। इससे फेस थोड़ा सा और ब्राइट लगेगा। एक सॉफ्ट लुक क्रिएट करने के लिए, फेस पे इनोसेंस लाने के लिए मैंने एक क्रीम ब्लश अप्लाई किया है जो कॉन्टोरिंग और हाइलाइटिंग को अच्छे से साथ में मर्ज कर देगा। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले अंडर आईज पे हल्का सा लूज पाउडर छोड़ सकते हैं। इससे जो भी फॉल आउट होगी वो इस पाउडर पे गिर जाएगी। आई मेकअप खत्म होने के बाद उसको आसानी से हम झाड़ सकते हैं। आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने एक सॉफ्ट पिंक कलर यूज किया है और मैं उसको एक ब्लेंडिंग ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं फ्रंट में एक गोल्डन आई शेडो ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी आईज और ओपन लगेंगी और एक सुंदर सा आमंड शेप आई को मिलेगा। ध्यान से इसको अप्लाई कीजिए कि आपके पूरे आई मेकअप में फैले ना, और सॉफ्टली इसको ब्लेंड कर दीजिए। अब मैं इनर कॉर्नर्स पे हल्का सा हाइलाइटर लगा रही हूँ और अंडरब्राउ में भी। अब मैं वाटर लाइन में न्यूट काजल की फिलिंग दे रही हूँ। इससे हमारी आईज थोड़ी सी और ओपन और वाइड लगेगी। तरा, आई मेकअप फिनिश। अब हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैं लिप्स को आउटलाइन दूंगी। अगर आप मेरे वीडियोस पहले भी देख चुके हैं तो आप जानते हैं कि लिप लाइनिंग बहुत जरूरी होती है। इससे हमें लिप्स की शेप समझ आती है और अगर लिप्स में थोड़ी अनइवन शेपिंग होती है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। आखिर में हम हल्का सा ब्लशर लगाएंगे और फेस को हाइलाइटिंग देंगे जिससे एक ड्यूई और ग्लोई इफेक्ट आएगा। हमारी निकाह ब्राइड अब रेडी है। आप जैसे देख सकते हैं हाइलाइटिंग के बाद फेस में कितना ग्लो आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपने आज कुछ नया सीखा और आपको ये वीडियो पसंद आई। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको फिर मिलूंगी नए ट्रिक्स के साथ।